दोस्तों फाइनली आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। अब आपके लिए क्या करना है दोस्तों, आपके लिए अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। ठीक है दोस्तों, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, सेटिंग में जाने के बाद आपके लिए कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। फिर आपके लिए यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा सिस्टम। ठीक है दोस्तों, इस सिस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। सिस्टम वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आपके लिए कुछ इस तरह का देखने के लिए मिलेगा। फिर आपके लिए यहाँ एक ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा रिसेट ऑप्शंस, इस पर क्लिक कर देंगे। रिसेट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके लिए कुछ इस तरह के ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे नीचे आपके लिए दो ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, रिसेट ऑल सिस्टम सेटिंग्स और फैक्ट्री डाटा रिसेट। ठीक है दोस्तों, अगर आप अपने मोबाइल की सेटिंग आपने कोई गड़बड़ कर दी है या फिर इनेबल डिसेबल कुछ कर दी है, उसमें प्रॉब्लम हो गई है, तो आप अपने मोबाइल की सेटिंग सही करना चाहते हैं पहले की तरह, तो आप रिसेट ऑल सिस्टम सेटिंग्स पे क्लिक करके रिसेट सेटिंग, ठीक है दोस्तों, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपके लिए अपना पासवर्ड डालना है, जो भी आपका पासवर्ड है इसमें पड़ा हुआ, डालने के बाद आपके लिए रिसेट सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। इस पर क्लिक करने के बाद रिसेट सेटिंग्स कंप्लीट, मतलब आपकी जो सेटिंग्स थी मोबाइल की पहले की तरह हो जाएगी, इससे ये होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप अपना मोबाइल का सारा डाटा जो कुछ आपने जितने ऐप्स डाउनलोड किए हैं थर्ड पार्टी वगैरह कुछ डाउनलोड किया है, तो आप उसे सारा कुछ वो हटाना चाहते हैं अपने मोबाइल के लिए, सब डाटा हटाना चाहते हैं, तो आप फैक्ट्री डाटा रिसेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, मैं इस पर फैक्ट्री डाटा वाले रिसेट ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और रिसेट फ़ोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपका फ़ोन रिसेट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जिससे आपका फ़ोन अगर हैंग वगैरह हो रहा है तो वह हैंग नहीं होगा, वो सारा कुछ सही हो जाएगा। अगर दोस्तों आपके लिए वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।